नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनडीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल, जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ चटपटी और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों आज आपके लिए क्या है स्पेशल, आइए देखते हैं। सहस्त्रबाहु जयंती 2018 में 15 नवंबर बृहस्पतिवार को मनाई जा रही है। सहस्त्रबाहु अर्जुन को रावण से भी अधिक बलशाली माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि वो भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक है। सहस्त्रबाहु इतने अधिक बलशाली थे कि वो संपूर्ण विश्व में सबसे ताकतवर रावण को भी युद्ध में हराने की शक्ति रखते थे। एक बार रावण सहस्त्रबाहु अर्जुन को हराने की इच्छा से उनके नगर जा पहुंचे। नर्मदा नदी के तट के पास रावण ने भगवान शिव का पूजन अर्चन करने का विचार किया। जिस स्थान पर रावण पूजा कर रहा था, वहां से थोड़ी दूर सहस्त्रबाहु अर्जुन नर्मदा नदी में ही अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा में मगन था। सहस्त्रबाहु ने जल खेल में अपनी 1000 भुजाओं से नर्मदा का प्रवाह रोक दिया था। इन 1000 भुजाओं का वरदान उसे भगवान विष्णु के अवतार भगवान दत्तात्रेय से मिला हुआ था। रावण पूजा में विघ्न आता देख क्रोधित हो गया। उसने जब जाकर देखा कि सहस्त्रबाहु अर्जुन नर्मदा नदी अपनी पंत्रियों के संग जल क्रीड़ा कर रहा है, तो ये देख वो और अधिक क्रोधित हो उठा। उसने सहस्त्रबाहु अर्जुन को तुरंत युद्ध के लिए ललकारा और युद्ध लड़ने के लिए कहा। उसी समय नर्मदा के तट पर रावण और सहस्त्रबाहु में भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के अंत में सहस्त्रबाहु अर्जुन ने रावण को बंदी बना लिया और अपने बल का परिचय रावण को दिया। सहस्त्रबाहु अर्जुन रावण को सदा अपनी बंदी बनाकर रखना चाहते थे, लेकिन रावण के पितामह यानी दादा ऋषि पुलस्त्य को जब पता चला तो उन्होंने सहस्त्रबाहु से रावण को छोड़ने के लिए निवेदन किया। फिर सहस्त्रबाहु ने रावण को छोड़ उसे मित्रता कर ली। दोस्तों अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो हमारी स्टोरी को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब।